हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे स्टार डेल्टा फीडर को विदाउट टाइमर से कैसे ऑपरेट करेंगे। अगर आपका टाइमर ख़राब हो जाए तो आप लोग विदाउट टाइमर से कैसे स्टार डेल्टा फीडर को रन कर सकते हैं, उसी को हम आज आप लोग को बता रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 230 वोल्ट एसी सप्लाई का यूज करते हैं। अगर आपका 110 वोल्ट सप्लाई होगा तो आप 110 यूज करिए, 230 वोल्ट होगा तो 230 वोल्ट कंट्रोल सर्किट में यूज करिए। यहाँ हम लोग डबल पोल एमसी में हम लोग 230 वोल्ट सप्लाई लाए। उसके बाद हमारा जो फेज का वायर है वो हम लोग ओवरलोड रिले को देंगे। ओवरलोड रिले का जो 95-96 है वो आपका एंटी कॉन्टैक्ट पॉइंट रहता है, उससे हम लोग देंगे। और 97-98 आपका ट्रिप के लिए रहता है। अभी ओवरलोड रिले की से आउटपुट से हम लोग एंटी पुश बॉटम से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद एंटी पुश बॉटम की आउटपुट से हम लोग एनो पुश बॉटम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद तो एनो पुश बॉटम की आउटगोइंग से हम लोग एंटी यहाँ पर स्टॉप के लिए यूज कर रहे हैं, और स्टार्ट के लिए हम लोग एनो पुश बॉटम को यूज में ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो यहाँ पर हम लोग का जो एंटी का जो ओवरलोड रिले है, उसके बाद एंटी का पॉइंट लगेगा। एंटी का पॉइंट लगाने से उसके बाद एनओ के पॉइंट लगाते हैं। उसके बाद एनओ के जो आउटपुट है, आउटपुट साइड से हम लोग डेल्टा की एंटी, जो डेल्टा की जो ऑक्सिलरी जो कॉन्टैक्ट पॉइंट रहता है उसका एंटी से हम लोग एक तो पॉइंट से कनेक्ट करके हमारा जो स्टार कंडक्टर की A1 पॉइंट में लगाएंगे। यह है आपका डेल्टा का एंसी, जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट पॉइंट रहता है ऊपर में एनओ एंसी, उसी में उसी के एंसी से हम लोग लाके स्टार कॉन्टैक्टर की A1 में लगाएंगे। उसका बाद हम लोग जो एंसी का आउटगोइंग पॉइंट से हम लोग एक तो वायर निकालेंगे, जिसको हम लोग स्टार की एनओ ऑक्सिलरी पॉइंट जो रहता है स्टार की एनओ से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद उसी को हम लोग लेके मेन कॉन्टैक्टर की ऑक्सिलरी पॉइंट जो रहता है एनओ कॉन्टैक्ट पॉइंट, उसी में कनेक्ट करेंगे। इसी को हम लोग होल्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं। इसको आप देख पा रहे होंगे एनसी के आउटपुट से हम लोग इसको ले रहे हैं, क्योंकि होल्डिंग जरूरी है। पहले हम लोग स्टार की एनओ, उसके बाद मेन एनओ, उसी सप्लाई को ही कनेक्ट करेंगे। उसके बाद मेन जो स्टार एनओ से हम लोग एक तो आउटपुट निकालेंगे, क्योंकि हमारा मेन कंडक्टर को यहाँ से पावर मिलेगा। स्टार एनओ से हम लोग मेन एनओ को एक तो एनओ तक हम लोग कनेक्ट करेंगे। नीचे में जो वायर है हम लोग का न्यूट्रल का पॉइंट है, तो यहाँ तक अभी हम लोग कनेक्ट कर लिए हैं, तो इसको अभी समझाएंगे। जब आप एनओ पुश बटन को ऑन करेंगे आपका डेल्टा का एनसी होगा, स्टार कंडक्टर पिकअप होगा। स्टार कंडक्टर जैसे ही पिकअप होगा, स्टार का जो एनओ पॉइंट से आपका मेन कंडक्टर ऑन होगा। मेन कंडक्टर जब ऑन हो जाएगा उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप आपको वायरिंग करना है। उसके बाद जो आपका मेन एनओ पॉइंट है उससे आपको एक तो वायर कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद स्टार की एंटी पॉइंट से लेके आपका डेल्टा में A1 पॉइंट में कनेक्ट करना है, डेल्टा की A1 में। अभी हमारा सर्किट यहाँ पर न्यूट्रल लगाएंगे तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कैसे ऑपरेट करता है। तो अभी हमारा यहाँ पर आप जब एनओ पुश बटन प्रेस करेंगे, ये हमारा जो पावर है मेन एनओ और स्टार एनओ में पहले से दिया गया है। जब आप प्रेस करेंगे डेल्टा के एनसी होगा, आपका स्टार कंडक्टर पिकअप होगा।
जैसे ही स्टार कंडक्टर पिकअप होगा उससे उस स्टार की जो एनओ कॉन्टैक्ट पॉइंट है उससे हमारा मेन कंडक्टर पिकअप होगा। मेन कंडक्टर जैसे ही पिकअप होगा अब जितना समय तक एनओ को पुश बॉटम को ऑपरेट करेंगे उतना टाइम तक ही आपका स्टार कंडक्टर में पिकअप होते रहेगा। अगर आपका स्टार से डेल्टा को चेंजेबल के लिए यहाँ पर आपका एनओ पुश बटन को प्रेस करके रखना पड़ेगा। जितना समय तक आप उसको प्रेस करेंगे उतना समय तक आपका स्टार पॉइंट में और मेन कंडक्टर आपका ऑपरेट होगा। जैसे ही आप एनओ को पुश बटन को छोड़ देंगे और आपका मेन कंडक्टर हो गए स्टार एन सी हो गए डेल्टा में चेंजेबल हो जाएगा। मेन और डेल्टा में आपका स्टार्ट जो फीडर रन करने लगेगा। यहाँ पर एक चीज़ को याद रखना है आपको एनओ पुश बटन जितना समय तक आप ऑपरेट करोगे आपका स्टार कंडक्टर उतना समय तक ही ऑपरेट होके रहेगा। जैसे ही आप एनओ पुश बटन को छोड़ेंगे आपका मेन और डेल्टा में चेंजेबल हो जाएगा। अभी हम उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे यहाँ पर जो MCB एक कनेक्ट किया है। MCB कनेक्ट करने के बाद ये है ओवरलोड रिले, इसके बाद जिसका 95-96 से हम लोग NC पॉइंट से उसका कनेक्शन लिया है और 97-98 आपका टेप इंडिकेशन के लिए यूज होता है। ऊपर में एक तो जंपर कनेक्ट किया है। उसके बाद ओवरलोड की आउटपुट से हमारा जो NC पॉइंट स्टार्ट बटन स्टॉप बटन है उसका इनपुट और उसका NC आउटपुट से हमारा NO की इनपुट से जो स्टार्ट के लिए लिया है। अब जो एनओ पुश बटन के आउटपुट से हम जो बता रहे थे मेन एनओ और एक स्टार एनओ में जो कनेक्ट किए हैं होल्डिंग के लिए वो हमारा देख पा रहे होंगे जो ग्रीन कलर का जो ब्लू कलर का वायर है वो आपका मेन एनओ में कनेक्ट है। ऑक्सिलियर पॉइंट जो ऊपर में दिया गया है उसी के साथ है हमारा स्टार का पॉइंट जो उसका स्टार एनओ में कनेक्ट है। उसके बाद हमारा जो स्टार्ट बॉटम है स्टार्ट बॉटम की जो आउटपुट से हम यहाँ पर डेल्टा का NC ये हमारा डेल्टा कंडक्टर डेल्टा का NC हो गए और उससे आउटपुट लेके हमारा स्टार कंडक्टर के A1 पॉइंट में हम लोग कनेक्ट किए हैं। जैसे डायग्राम है उसी टाइप से ही हम लोग यहाँ पर कनेक्शन किए हैं। अभी मेन NO के आउटपुट से हम लोग देख मेन एनओ के आउटपुट से हम लोग लिए हैं यहाँ पर लिए हैं स्टार की NC कॉन्टैक्ट पॉइंट जो ऊपर में लगा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्टार NC तो यहाँ पर हम लोग स्टार की NC से लेके डेल्टा की A1 पॉइंट कॉइल को सप्लाई दिया है और आपका यहाँ पर डेल्टा कॉन्टैक्टर पिकअप होगा इस टाइप से। और आपके मेन जो कॉन्टैक्टर है वो आपका एक तो जंपर लगा गया है जो मेन कॉन्टैक्टर जो ऑक्सिलरी NO कॉन्टैक्ट पॉइंट है उससे एक तो जंपर लगाया गया है। नीचे से आपका पावर रहता है जब आप प्रेस करेंगे तो होल्डिंग होकर आपका मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। अभी हम MCB को ऑन किए आपको दिखाने के लिए आप देख पा रहे होंगे हम जैसे ही आप NO पुश बटन को ऑन करके छोड़ देंगे आपका मेन और स्टार ऑन होगा। उसके बाद जैसे ही NO पुश बटन को छोड़ेंगे आपका मेन और डेल्टा में चेंजेबल हो जाएगा। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए यहाँ पर टाइमर का यूज हम लोग नहीं कर रहे इसलिए हम जब मोटर को पहले स्टार्ट करेंगे आपका NO पुश बटन जितना समय तक स्टार से डेल्टा होने तक चेंजेबल लगा आपका NO उतना वक्त तक NO पुश बटन को प्रेस करके रखना है तो आपका मेन और स्टार कंडक्टर पिकअप होकर रहेगा। जैसे भी पिकअप होकर रहेगा अब जैसे ही NO पुश बटन को छोड़ देंगे आपका मेन और डेल्टा कंडक्टर यहाँ पर पिकअप हो गया और स्टार कंडक्टर आपका ऑपरेट में नहीं है। इसी टाइप से ये वर्क करता है। तो इसको हम और एक बार आपको दिखा रहे हैं। अब अभी NO पुश बटन जैसे हम प्रेस करेंगे आपका स्टार और मेन कंडक्टर यहाँ पर होल्डिंग मैंने स्टार और मेन यहाँ पर चल रहा है कंडक्टर। अब जैसे ही NO पुश बटन को छोड़ेंगे स्टार कंडक्टर आपका ऊपर आ जाएगा और मेन और डेल्टा आपका वर्किंग करने लगेगा। मेन और डेल्टा में आपका मोटर रन करने लगेगा। इसी टाइप से ये वर्किंग करता है। आपका यहाँ मेन काम NO पुश बटन की है। जब तक आप स्टार में चलाएंगे तो NO पुश बटन को प्रेस करके रखेंगे
जब आप एनो पुष्पोटम को छोड़ेंगे तो आपका डेल्टा में मोटर रन करने लगेगा चेंज ओवर होके। इस टाइप से ये वर्किंग करता है। मेन और डेल्टा यहाँ पर कंडक्टर पिकअप है, आपका मोटर डेल्टा में अभी चल रहा है। इसी टाइप से इस टाइप का डायग्राम आपका विदाउट टाइमर यूज करके हम लोग मैनुअली स्टार्ट और स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर को रन कर सकते हैं। मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।